नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर हासिल किया मकाम। एक मामूली कार्यकर्ता से लेकर विधानसभा चुनाव तक का सफर, एक अद्भुत सरल व्यक्ति की पूरी दास्तां यूपी 76 न्यूज पर। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। यूपी 76 न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक नया प्रोग्राम जिसको हमने नाम दिया है जमीन की तलाश। जी हाँ, अपनी मेहनत, ईमानदारी व छोटे से परिवार में जन्मे लोगों की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे अपने नए प्रोग्राम जमीन की तलाश में। तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं अपने फर्रुखाबाद के सरल व खबरों से बचकर रहने वाले सपा के फर्रुखाबाद जनपद से सदर सीट के दावेदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह कटियार जी की। जमीन की तलाश नामक इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं 67 वर्षीय महेंद्र कटियार जी नेकपुर कला के निवासी हैं। उस समय नेकपुर कला नगर पालिका में नहीं आता था, वह गांव था और वह प्रधान चुनाव में आता था। एक छोटे से परिवार में जन्मे महेंद्र कटियार ने जब राजनीति की दुनिया में 1993 में कदम रखा, उन्होंने हाजी मस्तान की पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा महासंघ से पहला चुनाव लड़ा। चुनाव चिन्ह दो पत्ती के साथ बिना अनुभव और बिना किसी के सहयोग से सदर विधानसभा से ताल ठोकी और बिना कहीं वोट मांगे 2800 वोटों का कीर्तिमान रचा, जिसके बाद उन्होंने हाजी मस्तान की पार्टी को छोड़ प्रदेश की बहुचर्चित पार्टी बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता ली और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। सन 1999 में लोकसभा चुनाव क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष चुने गए और अपनी ईमानदारी व मेहनत के दम पर पार्टी को अग्रसर करने में जुट गए और सन 2000 में अपने परिवार की महिला को बहुजन समाज पार्टी से हाथी चुनाव चिन्ह से सभासद के चुनाव में उतारा और चुनाव लड़ाया, जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की। माधुरी कटियार जब सभासद बनी, उन्होंने महेंद्र कटियार ने अपनी सरल स्वभाव से जीत हासिल करवाई और सन 2000 में सभासदी का चुनाव जीतने के बाद महेंद्र कटियार जी बहुजन समाज पार्टी के महासचिव बनाए गए, जिसके बाद सन 2005 में महेंद्र कटियार जी ने बड़पुर पूर्वी से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत चुनाव जीतकर जनता के करीब आकर उनकी समस्याओं के समाधान में जुट गए और 2010 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपने भाई अखिलेश कटियार को बड़पुर ब्लॉक प्रमुख के पद पर तैनात किया, या यूं कहें बड़पुर ब्लॉक प्रमुख का ताज अपने भाई को पहनाया। फिर 8 नवंबर 2014 को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने महेंद्र कटियार को सदर सीट से प्रभारी बनाया, परंतु राजनीतिक प्रभाव के कारण और अपनी सरल स्वभाव की वजह से 22 जून 2014 को सपा सुप्रीमो ने टिकट काट दिया और उमर खां को टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जिसमें उमर खां को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और महेंद्र कटियार जी मंडल कोऑर्डिनेटर कानपुर बनाए गए कुर्मी समाज भाईचारा कमेटी के, जिसके बाद 2017 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, परंतु महेंद्र कटियार जी जमीन की तलाश में लगे रहे और वो तलाश आज भी जारी है। 21 सितंबर 2017 को महेंद्र कटियार जी ने सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में उभर कर अपनी जमीन की तलाश में लग गए। जनता के दुखों को ध्यान में रखकर और एक छोटे से परिवार में रहकर जनता के काफी करीबी नेता, हर समाज में अपनी पकड़ रखने वाले जमीनी नेता ने जमीन की तलाश में 2022 में सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है, जबकि समाजवादी पार्टी से सदर सीट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार है और अब ये देखना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद किसे मिलता है, वह कौन सा भाग्यशाली प्रत्याशी होगा जिस पर सपा मुखिया अपना भरोसा जताएंगे। खैर, महेंद्र कटियार जी की जमीन की तलाश जारी है और जनता जनार्दन काफी हद तक उनके सरल स्वभाव से आकर्षित है। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड आज जमीन की तलाश आपको कैसा लगा और किस नेता के बारे में आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर लौटेंगे किसी और नेता के जद्दोजहद को लेकर। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलेंगे लेकर
अगला एपिसोड जमीन की तलाश। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।